वेलकम टू तृतीय क्लासेस फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद त्रिदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अपने सोयल साइंस पढ़ रहे थे, सोयल साइंस के जो टॉपिक चल रहे थे अपने, जिसमें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मृदाक्षरण, एक छोटा सा टॉपिक है मृदाक्षरण नाम से आपके सिलेबस में। उसको अपने मृदाक्षरण कह लो, चाहे मृदा अपरदन कह लो, या इंग्लिश में आप सोयल इरोजन कह लो, एक ही बात है। मृदाक्षरण या इसको आप मृदा अपरदन कह लो, या फिर आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो सोयल इरोजन। क्या होता है मृदा अपरदन? देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं कि मृदा अपरदन होता क्या है। देखो, मृदा अपरदन में क्या होता है कि मिट्टी का अपने मूल स्थान से दूसरी जगह जाना, यानी कि अपने जैसे दो फील्ड है, आपके पास दो फील्ड है, इस फील्ड की मिट्टी इधर से हवा आई, हवा के थ्रू भी हो सकता है, या फिर ये अपने जल के थ्रू भी, चाहे ये हवा के थ्रू चाहे जल के थ्रू इस फील्ड की मिट्टी इधर आ गई, तो इसको क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। बस सिंपल सी भाषा में बताया कि मृदा अपरदन क्या होता है, ठीक है। यानी कि भौतिक रूप से मृदा का अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। और ये किसके थ्रू भी जा सकता है, चाहे अपने हवा के थ्रू भी जा सकता है और जल के थ्रू भी ये मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। मिट्टी की बहुत बड़ी समस्या है मृदा अपरदन, मृदाक्षरण। इसलिए अपने इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपने मिट्टी का क्षय रोग। क्या कहते हैं? मिट्टी का क्षय रोग, मिट्टी की रेंगती मृत्यु, मिट्टी की रेंगती मृत्यु, कृषि का प्रथम शत्रु, कृषि का प्रथम शत्रु, मिट्टी का क्षय रोग, मिट्टी की रेंगती मृत्यु, कृषि का प्रथम शत्रु अपन कहते हैं किसको? मृदा अपरदन को, सोयल इरोजन को, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बताया आपको कि पहले देखो, आपको दो शब्द याद करना है। एक तो आपको याद करना है पृथक्करण, पृथक्करण इसको बोलते हैं अपने इंग्लिश में डिटैचमेंट, और एक अपने बोलते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवहन। पृथक्करण मतलब डिटैचमेंट, परिवहन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, मिट्टी पड़ी है, कहीं पर भी मिट्टी पड़ी है, जैसे यहाँ पर है, चाहे मतलब कि किसी फील्ड में मिट्टी आपकी पड़ी है, ठीक है। पहले उस मिट्टी का क्या होगा? पृथक्करण होगा, उस मिट्टी का उस जगह से डिटैचमेंट होगा, उस जगह से वो डिटैच होगी मिट्टी। वो डिटैच चाहे वाटर के थ्रू हो सकती है, या अपने हवा के थ्रू भी वहाँ से डिटैच होगी, हो गई। डिटैच होने के बाद में उसका होगा परिवहन, यानी उसका होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। वही है मिट्टी, यानी कि एक जगह से अपनी भौतिक अवस्था से एक जगह से हटकर दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? मृदा का क्षरण, मृदा का अपरदन कहलाता है, ठीक है। यानी कि पहले मिट्टी वहाँ से पृथक्करण होती है, डिटैच होती है, डिटैच होने के बाद में वहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि परिवहन होता है उसका और कहीं जगह से। दो वर्ड आपको याद रखना है। तो मृदाक्षरण क्या होता है? सिंपल सी भाषा में बताया आपको, ये आपको समझ आ गया होगा मिट्टी को, ठीक है। इसको अपने क्षय रोग बोलते हैं मिट्टी का, मिट्टी की रेंगती मृत्यु, या कृषि का प्रथम शत्रु भी इसको अपने कहते हैं, ठीक है। देखो, मृदा अपरदन कितना होना चाहिए? सबसे पहले जो मृदा अपरदन है, 12 टन प्रति हेक्टर प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 12 टन प्रति, यानी एक हेक्टर, एक वर्ष में एक हेक्टर में 12 टन से अधिक आपकी मिट्टी का अपरदन नहीं होना चाहिए। लेकिन हो कितना रहा है? कितना हो रहा है? 16 टन प्रति हेक्टर प्रति वर्ष,
यानी कि एक वर्ष में एक हेक्टर से 16 टन मिट्टी का जो हो रहा है अपना अपरदन हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी छोटी सी बात है जो ध्यान रखनी है। अब मृदा अपरदन कितने टाइप का होता है वो देखते हैं अपने। मृदा अपरदन कितने टाइप से होता है, देखो इसके मोटे मोटे दो प्रकार हैं। कौन से? एक तो है इसका प्राकृतिक अपरदन, प्राकृतिक अपरदन जिसको अपने कहते हैं नेचुरल नेचुरल इरोजन, इंग्लिश में बोल देते हैं अपने नेचुरल इरोजन। देखो समझते हैं कि प्राकृतिक इरोजन क्या होता है। देखो नाम से पता लगा, प्रकृति में दो प्रकार से इरोजन होते हैं, एक होता है प्राकृतिक इरोजन और दूसरा होता है त्वरित इरोजन जिसको बोलते हैं अपने एसिलरेटेड इरोजन, त्वरित अपरदन। तो पहले अपने पढ़ते हैं प्राकृतिक अपरदन किसे कहते हैं। देखो नाम से ही पता है, देखो इसमें क्या होता है प्राकृतिक अपरदन में क्या होता है, आपकी सोयल है, आपका फील्ड है, वो पूरी तरह से वनस्पति से ढका होता है। कैसे होता है, यानी कि उस फील्ड पर किसी ना किसी प्रकार की वनस्पति होगी, वहां पर जो इरोजन होता है वो प्राकृतिक अपरदन कहलाता है। समझ आई? यानी कि आपका फील्ड है, देखो ये आपका क्या है, फील्ड है, इस फील्ड पर ये पूरा का पूरा फील्ड आपका वनस्पति से ढका हुआ है और एक फील्ड है आपका सीधा, यानी कि ये कैसा फील्ड है, वनस्पति विहीन, यह है वनस्पति युक्त, वनस्पति युक्त और यह है वनस्पति विहीन। इसमें कोई वनस्पति नहीं है, वनस्पति विहीन है और यहां पर वनस्पति है, तो आप बताओ मेरे को कि दोनों में से सबसे ज्यादा अपरदन किस में होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जो वनस्पति विहीन है यहां पर ज्यादा अपरदन होगा किसके बजाय, वनस्पति युक्त, क्योंकि यहां पर क्या है फील्ड में क्या है, वनस्पति है। तो वनस्पति युक्त फील्ड से जो अपरदन होता है उसको कहते हैं अपने प्राकृतिक अपरदन। यानी कि फील्ड में आपके वनस्पति लगी हुई तो अपरदन कम होगा। आपने सुने नहीं क्या, एक होता है शेल्टर बेल्ट और एक होता है विंड ब्रेक, तो वो क्या काम आते हैं, वो भी अपरदन को कंट्रोल करने के काम आते हैं, आते हैं ना। तो एक होता है क्या, शेल्टर बेल्ट और एक होता है आपका विंड ब्रेक। अरे बहुत से स्टूडेंट को तो इनमें भी कंफ्यूजन है, बहुत से इनको दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि दोनों एक ही है। अरे भाई ये दोनों एक नहीं है, और जो जिनको नहीं पता थोड़ा वो थोड़ा मतलब कि कुछ तो एक समझ लेते हैं और किनको ये समझ ही नहीं आता। देखो शेल्टर बेल्ट क्या होता है, शेल्टर बेल्ट होता है कि जो अपने जो ट्री होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पंक्तियां लगा दी जाती है खेत में। शेल्टर बेल्ट में क्या करते हैं, पेड़ जो पौधे होते हैं उनकी खेत में पंक्तियां मतलब लगा दी जाती है बड़े बड़े पौधों की, जिससे क्या होता है जो हवा आती है वो पहले पेड़ से टकराती है फिर नीचे जाती है, तब उसकी जो गति होती है वो कम हो जाती है, उससे इरोजन रुकता है, मृदा का अपरदन को अपरदन का कंट्रोल होता है। और एक होता है आपका विंड ब्रेक। अब ये क्या होता है, ये भी तो विंड को ही रोकता है, ये भी तो वायु को ही रोकता है, दोनों का काम ही एक है, लेकिन विंड ब्रेक में आपकी कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है। इसमें ओनली जो पेड़ पौधे होंगे उनकी कतारें लगाई जाएगी शेल्टर बेल्ट में, विंड ब्रेक में आपकी कोई सी भी स्ट्रक्चर हो सकती है। और दूसरा अगर डिफरेंस की बात करें, दूसरा डिफरेंस की बात करें तो शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, शेल्टर बेल्ट में हवा क्रॉस हो जाती है, थोड़ी बहुत हवा क्रॉस हो जाती है, लेकिन विंड ब्रेक में ऐसा नहीं होता, इसमें कंप्लीट जो हवा होती है उसका कंट्रोल होता है, उसका मतलब कि उसको रोक सकते हैं इस विंड ब्रेक से। तो समझ आया कि शेल्टर बेल्ट क्या होता है और विंड ब्रेक क्या होता है, क्यों करते हैं ये मृदा अपरदन को रोकने के लिए, है ना। तो यही सिचुएशन यहां पर है, वनस्पति युक्त है फील्ड है जिस पर वनस्पति है, वनस्पति मतलब कोई पेड़ पौधे है या आपने क्रॉप लगा रखी है, यहां वनस्पति विहीन है, व्यर्थ है, बंजर भूमि पड़ी है जी, तो यहां पर जो हवा आएगी वो डायरेक्ट आएगी और मिट्टी को उड़ा के और कहीं ले जाएगी, लेकिन यहां पर पहले पेड़ों से टकराएगी, गति कम हो जाएगी, नीचे बहुत ही कम तक पहुंचती है। तो फिर यहां प्राकृतिक अपरदन में क्या होगा, कैसा अपरदन जो
होगा वो बहुत ही स्लोली अपरदन कह सकते हो आप, यानी इसमें जो नुकसान होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा हानि नहीं होती, ज़्यादा हानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह वनस्पति युक्त फील्ड में अपरदन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राकृतिक अपरदन या नेचुरल इरोजन। अपने ये कह सकते हैं कि मृदा का विनाश और मृदा का निर्माण, इसमें दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, मृदा का निर्माण प्लस मृदा का विनाश दोनों एक साथ होती है। ये दोनों एक साथ कैसे होती है, क्यों बोल दिया ये, क्योंकि इसमें परिवर्तन होने में बहुत टाइम लगता है। आपको पता है मृदा का निर्माण जो होता है इसमें बहुत ही सालों लग जाते हैं, काफ़ी बहुत ही टाइम लगता है इसमें, तो इसमें मृदा के विनाश में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये वनस्पति युक्त फील्ड है, यहाँ पर अपरदन होगा वहाँ पर मृदा का विनाश होने में भी बहुत टाइम लगता है, इसी तरह मृदा निर्माण होने में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए अपने कहते हैं कि मृदा का निर्माण और मृदा का विनाश दोनों क्रियाएँ साथ साथ होती है, किसमें? प्राकृतिक अपरदन नेचुरल इरोजन में। वनस्पति युक्त फील्ड पर जो इरोजन होता है उसको कहते हैं प्राकृतिक अपरदन, ज़्यादा हानि नहीं होती क्योंकि यह वनस्पति है, और मृदा निर्माण मृदा विनाश दोनों क्रियाएं एक साथ होती है। तो ये हुआ अपना प्राकृतिक अपरदन, जो पहला अपना इरोजन का टाइप था। ठीक है, समझ आ गया एकदम से। अब अपना जो दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, मैंने आपको बताया त्वरित अपरदन, लिखो त्वरित अपरदन। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? एसीलरेटेड इरोजन। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है। अभी मैंने बताया ना आपको, इसमें क्या होता है कि वनस्पति विहीन पर होता है, यहां पर व्यर्थ जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, वनस्पति विहीन, वनस्पति विहीन जो आपका खेत है, जो आपका फील्ड है, वहां पर जो इरोजन होता है वो कहलाता है आपका त्वरित इरोजन। अब वनस्पति विहीन कौन कैसे होता है और ये वनस्पति विहीन कौन करता है? अपने कह सकते हैं कि जो मानव की क्रियाएं होती है, मानव की क्रियाओं के द्वारा जो अपना इरोजन होता है, जो अपरदन होता है, वो कहलाता है आपका त्वरित अपरदन। अब मानव की क्रियाओं में से कौन कौन सी आती है, जैसे पशुचारण। ठीक है, पशुओं, मानव क्या करते हैं, पशुओं मतलब पशुओं के द्वारा अपने वनस्पति को चरा दिया जाता है और वहाँ पर कंप्लीट मतलब वनस्पति विहीन हो जाती है वो जगह। उसके अलावा अपने कह सकते हैं कि उस खेत को जोत कर, खोद कर, वनों का विनाश, वनों की कटाई करके, ये सब मानव क्रियाएं कह सकते हैं इसको, यानी कि मानव के द्वारा ये अपरदन होता है, त्वरित अपरदन। मानव क्रियाओं द्वारा अपरदन होता है ये, मानव क्रियाएं कौन कौन सी है, मानव क्रियाएं वनों की कटाई, लिखो वनों की कटाई, पशु चारण, खेत को खोद कर या खेत को जोत कर, खेत को खोद कर या खेत को जोत कर, वनों की कटाई करके या पशुचारण। इससे क्या होता है, जो आपकी भूमि है, जो आपका खेत है, वो वनस्पति विहीन हो जाता है। फिर क्या होगा, वनस्पति विहीन होने से इस पर जो वायु का है वो सीधा दबाव पड़ेगा, जो आपकी हवा है या जो वाटर है उससे मतलब डायरेक्ट इस पर दबाव पड़ेगा और ज़्यादा अपरदन होगा। किससे? प्राकृतिक अपरदन से, त्वरित अपरदन में प्राकृतिक अपरदन से ज़्यादा नुकसान होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्राकृतिक अपरदन और त्वरित अपरदन में से सबसे ज्यादा किससे अपरदन होता है मृदा का, तो आपका आंसर होगा त्वरित अपरदन से, क्योंकि ये मानव क्रियाओं द्वारा होता है, मानव के द्वारा वनों की कटाई कर दी जाती है, पशु चारण, खेत को जोत कर या खेत को खोद कर, इसमें ज्यादा नुकसान होता है
प्राकृतिक अपरदंड, क्योंकि ये वनस्पति विहीन पर होता है। तो ये दोनों आपको समझ आ गए, एक आपका प्राकृतिक अपरदंड और एक आपका त्वरित अपरदंड, ये मोटे मोटे दो टाइप थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, समझ आना चाहिए। देखो, आपको समझ आना चाहिए, ये सारी चीजें तो आपको बुक में लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए, समझ आना बहुत ही जरूरी है। देखो, सोयल साइंस को क्या मतलब, अपने एक सोयल साइंस एक टफ सब्जेक्ट है, तो सोयल साइंस को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको मतलब इजी होता है, चीज़ें सारी क्या होती है, चीज़ें सारी इजी होती है, लेकिन अपने अपने का जो समझने का तरीका है, उसको जो पढ़ने का तरीका है, वो सबका अलग अलग होता है, तो समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी सब चलो। अब जो मर्दा, ये तो मैंने आपको टाइप बता दिए, एक प्राकृतिक अपरदन और एक त्वरित इरोजन। ठीक है, अब जो मर्दा जो अपरदन होता है वो किसे होता है, उसके क्या कारक हैं, मर्दा अपरदन के क्या कारण बोलो, क्या कारक बोलो, किससे होता है, तो ये तो आपको सबको पता है, पढ़ते ही आ रहे हो। एक तो होता है वायु द्वारा अपरदन, जिसको बोलते हैं वायु अपरदन। ठीक है, दूसरा किससे होता है, जल के द्वारा होता है, जिसको बोलते हैं जल अपरदन। ठीक है, वायु द्वारा मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना वायु अपरदन, और जल के द्वारा, पानी के द्वारा मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, जल अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई, लेकिन अब अपने देखते हैं वायु अपरदन को, पहले पढ़ते हैं वायु अपरदन को और फिर अपने पढ़ेंगे किसको, जल अपरदन को। देखो क्या होता है वायु अपरदन, देखो लिखाने की जरूरत नहीं है कि वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो वायु अपरदन हुआ, मिट्टी वायु के द्वारा एक दूसरे जा रही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, होता कहाँ पर है वायु अपरदन, होता कहाँ पर है सबसे ज्यादा, देखो बताने की जरूरत नहीं है। वायु अपरदन कहाँ पर होगा, जहां पर क्लाइमेट कैसा होगा, शुष्क होगा, कैसा होगा, अर्ध शुष्क होगा, जहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा, शुष्क या अर्ध शुष्क होगा, वहाँ पर आपका वायु अपरदन ज़्यादा होगा, होगा ना। तो अब ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्लाइमेट कहाँ पर है, सबको पता है कहाँ पर है, पश्चिमी राजस्थान, है ना, पश्चिमी राजस्थान। अब पश्चिमी राजस्थान में आपके जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, जोधपुर आ गया, बीकानेर आ गया, चुरू आ गया, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन होता है। देखो आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक अपरदन किससे होता है, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आपसे क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन कौन सा होता है या किससे होता है, तो आप उसका आंसर करोगे वायु अपरदन, पश्चिमी राजस्थान या फिर उत्तरी राजस्थान, दोनों में, पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान में सबसे ज्यादा अपरदन कौन सा होता है, वायु राजस्थान, वायु अपरदन। ठीक है, अगर ऐसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा अपरदन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा अपरदन किससे होता है, ठीक है, तो फिर आपका आंसर आएगा कौन सा, जल अपरदन, फिर आपका आंसर कौन सा आएगा, जल अपरदन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा अपरदन किससे होता है राजस्थान में, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि राजस्थान में तो भाई रेत ही रेत है, शुष्क है, अर्ध शुष्क है, तो वायु अपरदन टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा अपरदन किससे होता है, जल अपरदन होता है। लेकिन अगर पश्चिमी राजस्थान उत्तरी राजस्थान की बात करें तो फिर आपका आएगा ये वायु अपरदन। ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये होता है। अब इस वायु अपरदन को भी आगे स्टेजों में बांट दिया है, वायु अपरदन मतलब आगे इसके भी आगे भाग कर दिए, स्टेज कर दिए, तो सबसे पहला आता है आपका सतह स्परण, अरे कितना औखा नाम है ना, सतह स्परण, अरे हिंदी में है, इंग्लिश में याद करो, सरफेस करीप। देखो नाम से ही समझाऊंगा आपको, क्या नाम से ही समझाऊंगा, रट्टा तो मारना ही नहीं है, क्या नहीं करना, रट्टा तो मारना ही नहीं है। सरफेस करीप,
सरफेस का मतलब क्या हुआ भाई बताओ? सरफेस का मतलब हुआ भूमि की जो ऊपरी सतह है उसको बोलते हैं सरफेस। अरे करीब का क्या मतलब हुआ? करीब का मतलब हुआ रेंगना। क्या हुआ? करीब का मतलब हुआ रेंगना। अरे सिरकणों, सिरकणों कौन बोलते हैं क्या पास? सिरकणों। रेंगना यानी कि सरफेस करीब, भूमि की जो ऊपरी सतह होती है उस पर मिट्टी का रेंग कर चलना, ये आपकी क्या है? भूमि है। ठीक है, ये आपकी फील्ड है, भूमि है, ये भूमि की ऊपरी सतह है। यहाँ पर मिट्टी रेंग कर चलती है, यानी कभी थोड़ी सी ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, सांप नहीं चलता क्या? रेंग कर चलती है। तो नाम से याद करना है आपको, सरफेस करीब, सतह सपरण। सरफेस भूमि की सतह से मिट्टी का रेंग कर चलना, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? सरफेस करीब। ठीक है, इसमें अब जो मृदा के जो कण होते हैं ना, यानी कि कौन मतलब उनकी साइज क्या है? देखो मृदा के कण सरफेस करीब में क्या बताया मैंने आपको, मिट्टी होती है भूमि की ऊपरी सतह पर रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। ठीक है, ऐसे रेंग कर चलती है, ठीक है, सांप की तरह सरफेस करीब। अब जो जो कण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रेंग कर जो चलते हैं, उन कणों का साइज कितना होता है? तो भाई जो ऐसे रेंग कर चलेगा, अब जिस जो हल्का होगा वो तो भाई ऐसे उड़ जाएगा, उड़ कर चलेगा, बहुत दूर जाके उड़ के फिर गिरेगा, फिर उड़ के फिर गिरेगा। अब जो जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, जिन कणों का साइज बड़ा होगा वो क्या करेगा? थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, ऐसे रेंगते हुए चलेगा सरफेस के ऊपर, इरोजन होगा। तो मृदा के कणों की साइज लिखो 0.5 mm से अधिक, या तो 0.5 mm या 0.5 mm से अधिक जो मृदा के कणों का जो साइज होता है, यानी कि इस साइज के जो कण होते हैं वो भूमि की सतह पर रेंगते हुए चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। कैसे? रेंगते हुए। ठीक है, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, मतलब हवा इनको आप उड़ा नहीं सकती अपने साथ ऊपर। ठीक है, फिर लॉस कितना होगा भाई? तो फिर लॉस तो कम ही होगा, कितना होगा? ये होता है ओनली 5 से 25%। 5 से 25% मृदा का लॉस हो गया, यानी टोटल जो आपका मृदा क्षरण हो रहा है, टोटल जो आपका सोयल का इरोजन हो रहा है, उसका 5 से 25% जो इरोजन हो रहा है वो किससे हो रहा है? सरफेस करीब से हो रहा है। ओनली 5 से 25% सरफेस करीब से। मृदा के कण की साइज बताई 0.5 mm से ज़्यादा होते हैं जो भूमि की सतह पर रेंग कर चलते हैं। तो काफ़ी डीप से बता दिया मैंने सरफेस करीब, तो अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में आपका कौन सा आएगा? 2 नंबर। ठीक है, देखो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, थोड़ा बहुत साथ में बता ही रहा हूं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ने का कि आप खुद नोट्स बनाओ, जैसे आपको समझ आए। मैंने बता दिया, मैंने समझा दिया आपको, आपको जैसे समझ आए वैसे नोट्स बनाओ। दो ही तरीके होते हैं, देखो फॉर्म तो भरते हैं भाई 1 लाख से ऊपर, ठीक है, सुपरवाइजर की कॉस्ट कितनी गई है? कितनी? बहुत ही कम, 1000 भी नहीं है ना। तो फॉर्म तो 1 लाख से ऊपर भरेंगे, लेकिन सेलेक्ट कितने होंगे? वही जितनी पोस्ट है उतने ही सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि अरे पढ़ते तो वही है ना, जो अपने बुक पढ़ते हैं वही ये पढ़ते हैं, ठीक है, वही कोचिंग कर रहे हैं, अपनी कोचिंग कर रहे हैं। तो उनका तरीका होता है, तरीका मैं बताऊं, एक तो नोट्स, ये आदत तो आपको डालनी पड़ेगी नोट्स बनाने की, खुद के नोट्स बनाओ। मैं लिखा रहा हूं कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं वो भी लिख लो आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखा नहीं रहा हूँ वो भी आप लिख लो, खुद के तरीके से, खुद के नोट्स बनाए हुए अच्छे तरीके से याद होते। दूसरा बुक, अरे भाई बुक से जो दोस्ती होगी ना आपकी, जिस दिन आपकी किताबों से दोस्ती होगी ना, उस दिन आपको पढ़ाई में आनंद आएगा, सच कह रहा हूँ, उस दिन आपको पढ़ाई में आनंद आएगा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो खुद के नोट्स बनाने हैं और एक बुक में इंटरेस्ट पैदा करना है, तभी आप कामयाब होगे। तो एक तो होगी सरफेस करीब और दूसरा आप लिखो उछलन, क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको, साल्टेशन। ठीक है भाई,
मैंने क्या कहा था, रट्टा नहीं मारना, क्या नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, उछलन, उछल उछल के जाता है, क्या, ये जो सोयल के कण हैं, ये जो मिट्टी के कण हैं, जो उछलन में, उछल के यानी कि भूमि की सतह से उछल के दूसरी जगह जाएंगे, फिर उछल के दूसरी जगह जाएंगे, थोड़ी जगह, यानी कि ये आपकी भूमि है, यहाँ से उछले फिर यहाँ गिर गए, फिर यहाँ से उछले फिर यहाँ गिरे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मृदा के कणों का उछल उछल के जाना, उसको क्या कहते हैं, उछलन, साल्टेशन। इसमें क्या बताया था, इसमें रेंग रेंग कर जाते हैं, इसमें उछलते नहीं है, बिल्कुल रेंग रेंग के जाते हैं, क्योंकि इसमें जो मृदा के कण होते हैं उसकी साइज बड़ी होती है, तो वो हवा उड़ा नहीं सकती अपने साथ, तो वो रेंग रेंग कर जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उछल उछल कर जाते हैं, यानी कि थोड़ी देर, कुछ देर दूर तक उछल लिए, फिर नीचे गिरे, फिर उछले, ऐसे उछल उछल के जाते हैं, तो इसका नाम बढ़ गया उछलन, इंग्लिश में साल्टेशन। इसमें जो मृदा के कण होते हैं उनकी फिर साइज कितनी होगी, मृदा के कणों की साइज लिखो 0.1 to 0.5 mm, इसमें 0.5 mm से ज़्यादा, इसमें 0.1 से 0.5 mm, यानी कि इनसे कम होती है तभी तो उछलते हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादा होती है तो इसमें वजन ज़्यादा होता है तो रेंग रेंग कर चलती है, ठीक है, इसमें थोड़ा साइज कम हो गया तो ये थोड़ी दूर उछल जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उछल जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, तो ये हो गया आपका उछलन, यानी कि भूमि की ऊपरी परत जो है उसमें मृदा के जोगड़ हैं एक जगह से दूसरी जगह उछल कर जाते हैं, उछलन। तो इसमें टोटल मृदा क्षरण का कितना लॉस होता है, चलो वही देख लेते हैं, 50 से 75%, जितना भी मृदा का क्षरण होता है उस टोटल का 50 से 75% जो लॉस होता है, जो मृदा क्षरण होता है, वो किससे होता है, उछलन से होता है, साल्टेशन से होता है। तो इससे क्या समझे आप भाई, 50 से 75% तो अकेले इससे ही हो गया उछलन से, तो इससे समझे कि सबसे ज़्यादा कि जो वायु अपरदन में जो सबसे ज़्यादा जो इरोजन होता है वो किससे होता है, इससे होगा उछलन से। क्वेश्चन आ जाए कि वायु अपरदन में कौन सी स्टेज से सबसे ज़्यादा वो होता है इरोजन होता है, तो आपको ऑप्शन दे देंगे सरफेस करीब, उछलन, इसके बाद एक और है निलंबन, है ना, आप टिक करोगे उछलन, क्योंकि 50 से 75% टोटल मृदा क्षरण का इससे होता है, 0.1 से 0.5, ये आपको साइज याद रखनी है, पूछ ली जाती है एग्जाम में। चलो ठीक है, ये तो हो गया आपका उछलन और साल्टेशन, ठीक है। फिर तीन नंबर कौन सा है, फिर चलो तीन नंबर लिखो, निलंबन, निलंबन इंग्लिश में क्या कहेंगे, सस्पेंशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैंने बताया साइज, साथ साथ में दोबारा लिखा देता हूं, 0.5 से अधिक और इसमें 0.1 से 0.5 mm, और इसमें क्या होता है, इसमें जो मृदा के कण है ना उनकी साइज ओनली कितनी होती है, 0.1 mm से भी कम होती है, 0.1 mm से भी कम होती है, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, तो नॉर्मल सी बात है, साइज कम होगी कण की तो वो ज़्यादा उड़ेंगे हवा में, तो ज़्यादा हवा में उड़ेंगे, यानी कि इसमें क्या होता है, निलंबन में, सस्पेंशन में जो मृदा के कण होते हैं 0.5 mm से कम वातावरण में उड़ते हैं, यानी कि वातावरण में उड़ते हैं और हजारों किलोमीटर तक उड़कर चले जाते हैं, हजारों किलोमीटर तक, क्योंकि साइज ही कम होती है तो उड़ेंगे ही, हवा अपने आप इजीली उड़ा के ले जाती है इसको, 0.5 mm तक वातावरण में उड़ते हैं, हजारों किलोमीटर तक इसको उड़ा के ले जाती है, ठीक है। इसमें लॉस कितना होगा, फिर इसमें ओनली 3 से 4% लॉस होता है टोटल मृदा क्षरण का, ओनली 3 से 4% जो लॉस होता है वो किससे होता है, निलंबन से, सस्पेंशन से। तो हमने क्या पढ़ा, वायु अपरदन कहाँ होती है, शुष्क अर्ध शुष्क, और कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वायु अपरदन होती है, ठीक है। फिर तीन आपको स्टेज बताई, सतह स्परण, सरफेस क्रीप, सरफेस मतलब भूमि की सतह, करीब मतलब रेंग, भूमि की सतह रेंग रेंग कर चलती है, क्यों, क्योंकि साइज बड़ी होती है, 0.5 mm से ज़्यादा उछलते नहीं है, ठीक है। लॉस कितना होता है, कितना बताया था, 5 से 25%। फिर उछलन, उछल उछल के चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्यों, क्योंकि साइज थोड़ी इससे कम हो जाती है, 0.1 से 0.5 mm,
फिर बताया निलंबन सस्पेंशन सबसे कम 0.1 से भी कम, इसलिए वातावरण में हजारों किलोमीटर तक उड़कर ये चले जाते हैं, लॉस होता है 3-4%, सबसे ज़्यादा होता है उछलन में 50-75%। तो ये वायु अपरदन की स्टेज थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पढ़ेंगे जल अपरदन। देखो समझ आ गया ना आपको, फिर आप कभी नहीं भूलोगे इनको, एक बार समझ आने की जरूरत है, और समझना भी इतना कोई मुश्किल लग नहीं रहा। क्या क्या मुश्किल है आपको, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने आपको। तो वायु अपरदन हो गया, दूसरा आपका कौन सा है, जल अपरदन। पहले तो इसको यही याद करना है कि सबसे ज़्यादा जल अपरदन, यानी कि सर्दी सबसे ज़्यादा जो अपरदन होता है वो कौन सा होता है, जल अपरदन, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए। और पश्चिमी राजस्थान उत्तरी राजस्थान में आ जाए तो वायु अपरदन, चलो ठीक है जल अपरदन। तो ये तो इसको तो क्या बताना कि जल के द्वारा मिट्टी के कणों का एक जगह से दूसरी जगह जाना जल अपरदन कहलाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसकी अपने स्टेज पढ़ते हैं, जैसे उसकी पढ़ी थी उस वैसे भी इसकी भी स्टेज है। तो वो कहाँ बताया था मैंने, शुष्क और अर्ध शुष्क पश्चिमी राजस्थान में होता है। तो जल अपरदन कहाँ होगा भाई, जल अपरदन कहाँ होगा, जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा है, नदियों के द्वारा ही तो होता है, चट्टानों से मिट्टी को काट के लाती है नदियाँ, ऐसे होता है अपरदन। तो जहाँ नदियाँ होगी, तो नदियाँ कौन सी फेमस है राजस्थान में भाई, चंबल नदी, बाकी तो किताबों में चलती है चंबल नदी। अब चंबल नदी वाले एरिया कौन से हो गए, कोटा हो गया भाई, झालावाड़ हो गया है, यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, बूंदी हो गया, बारह यहाँ पर क्या होती है, बारिश भी ज़्यादा होती है, और ऊपर से ये चंबल नदी है, इसकी वजह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जल अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आप क्या करोगे, चंबल नदी वाला जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल अपरदन हो। चंबल नदी आपने पढ़ा होगा, नदियाँ तो ये बिहड़ बना देती है ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये होता है आपका, ठीक है। एक तो यह क्वेश्चन हो गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, फिर अपने पढ़ते हैं इसके जो स्टेज है, इसमें जो पहली स्टेज है भाई बौछार अपरदन, कौन सी, बौछार अपरदन, इंग्लिश में भी लिख लो रेनड्रॉप स्प्लैश। क्या समझाना है इसमें, यानी कि सबके सब खुद जो नाम है ना यही बोल रहे हैं, रेन ड्रॉप बौछार, वर्षा की बूंदों के प्रभाव से जो मिट्टी के कण अपने मूल स्थान से दूसरी जगह जाते हैं उसको कहते हैं बौछार अपरदन। बस रेन ड्रॉप, वर्षा की बूंदें, बौछार, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको अपने क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन बनता है तो वो कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है कि ये जो जल अपरदन की प्रारंभिक स्टेज है, प्रारंभिक अवस्था है, क्या है ये, अपनी जल अपरदन की क्या है, प्रारंभिक अवस्था है, इसका यही मेन इसका जो क्वेश्चन बनता है। तो सेकंड नंबर जो इसमें स्टेज है वो कौन सी है, सीट इरोजन, कौन सी है, परत अपरदन या परत क्षरण। देखो ये क्षरण, एक है क्षरण और एक है अपरदन, कंफ्यूज मत होना, सिलेबस में तो आप इस टॉपिक से नाम वो दे रखा है, सिलेबस में जो टॉपिक इतना ही है मृदाक्षरण ऐसे दे रखा है, तो मृदाक्षरण और अपरदन एक ही बात है, और सॉइल इरोजन इंग्लिश में कहते हैं इसको, एक ही बात है ना। तो परत अपरदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपने, सीट इरोजन, सीट इरोजन, चलो इसको ही नाम से ही पढ़ते हैं, परत सीट, जो आपकी भूमि है, जो आपका फील्ड है, जो भूमि की सतह, उसकी जो ऊपर वाली जो पतली परत होती ना, वो पतली परत के मतलब पतली परत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी कि पतली भूमि की, भूमि की, भूमि की सतह की, सतह पर पतली परत के रूप में, पतली परत के रूप में
मृदा के कणों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना। क्या होना? स्थानांतरित होना। ठीक है, नाम से पढ़ना है आपको, रट्टा तो मारना ही नहीं है। परत अपरदन, भूमि की सतह पर पतली परत के रूप में मृदा के कणों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परत अपरदन, शीट अपरदन। अब भाई ये जो अपरदन है ना, परत अपरदन और जो शीट अपरदन, इसको बोलते हैं विनाशकारी अपरदन। विनाशकारी, ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? विनाशकारी क्यों बोलते हैं? क्यों? भूमि की जो ऊपरी पतली परत के रूप में जो मिट्टी जाती है ना, इसमें परत अपरदन में भूमि की सतह पर जो पतली परत के रूप में जो मिट्टी जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह, वो मिट्टी कैसी होती है? वो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी। तो अपने कह सकते हैं कि परत अपरदन से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी का नुकसान होता है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा का नुकसान। सर्वाधिक जो उपजाऊ मृदा होती है ना, वो पतली परत के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं विनाशकारी अपरदन। और ये फार्मर मतलब इसको आंखों के द्वारा देखी नहीं जाती, ये जो परत अपरदन है ना, इसको ऐसे कह सकते हैं कि मतलब इसको इतनी पतली परत के रूप में जो उपजाऊ मिट्टी है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो फार्मर को पता ही नहीं चलता, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये जो स्टेज है ये आंखों द्वारा देखी नहीं जाती फार्मर के द्वारा, है ना, किसानों के द्वारा, आंखों द्वारा दिखाई नहीं देती, ऐसे लिख लो आप, है ना। बिल्कुल पतली परत के रूप में जो उपजाऊ मिट्टी है ना, इसमें नुकसान होता है, तो ये पता ही नहीं चलता फार्मर को, इसमें फार्मर को पता ही नहीं चलता अभी अपने खेत में परत अपरदन भी हो रहा है, सीट इरोजन भी हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको आंखों द्वारा ये दिखाई नहीं देती। और इसको अपने बोलते हैं फार्मर की डेथ, स्टेज को क्या बोलते हैं? फार्मर डेथ। फार्मर डेथ, फार्मर्स डेथ। ठीक है, तो समझ आ गया, परत अपरदन, सीट इरोजन, भूमि की सतह पर पतली परत के रूप में उपजाऊ मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा का नुकसान होता है, परत अपरदन में विनाशकारी अपरदन बोलते हैं इसको, आंखों द्वारा दिखाई नहीं देती क्योंकि फार्मर को पता ही नहीं चलता भाई हमारे फील्ड में ये इरोजन हो रहा है, और इसको इसलिए इसको बोलते हैं फार्मर की डेथ। तो ये होगी आपकी परत अपरदन। ठीक है, इसके बाद में कौन सी पढ़ेंगे अपने? मिटा दूं? चलो ठीक है, आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तीन नंबर लिखो, रिल अपरदन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिल इरोजन। ठीक है, रिल अपरदन, रिल इरोजन, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता, खेत है आपका ऐसे ढलान वाला खेत है, बारिश आएगी, वो बारिश क्या करेगी? ऐसे नीचे आएगी, ढलान से नीचे उतरेगी, अब जब नीचे उतरेगी ना तो वो ऐसे छोटी 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 नालियां बना देती है, ऐसे छोटी छोटी नालियां बन जाती है इसमें, क्या होता है रेल इरोजन में, यानी कि ढलान से जब ढलान वाली जो जिस साइड ढलान है, जिस साइड ढलान है उस साइड क्या होता है, मतलब कि बारिश से या बारिश से क्या बारिश आती है मतलब पानी से छोटी छोटी नालियां टाइप बन जाती है, बिल्कुल छोटी छोटी बन जाती है, उसको बोलते हैं रिल इरोजन। ठीक है, या रिल अपरदन या रिल इरोजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी नालियां तो बनती है, लेकिन इसके बाद में जो फोर्थ स्टेज आती है आपकी,
वो आती है गली इरोजन। तो इसमें ये जो रिल इरोजन है, अगर इसको अपने टाइमली कर दें, यानी कि जो कृषक है, जो आपका जो फार्मर है, वो मतलब टाइमली पता, मतलब उसको दिख जाती है, ये तो गलियां तो छोटी छोटी दिख जाएगी, अगर इसको टाइमली जोत दे, अगर मतलब समतल कर दे या किसी टिलेज कर दे, यानी कि इसको इसका मतलब कि उपयोग कर सकते हैं, इसका मतलब अपने टाइमली इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। छोटी छोटी नालियां बनी हुई, इसको तो टाइमली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको फार्मर अनदेखा कर दे, इसको रिल इरोजन को, छोटी छोटी नालियों को फार्मर अगर अनदेखा कर दे, टाइमली इसको मैनेजमेंट ना करे, तो इसके बाद में फिर जो खतरनाक स्टेज आती है, जो जल इरोजन, जो जल अपरदन की जो सबसे खतरनाक स्टेज है, कौन सी है? वो गली इरोजन। ये चौड़ी चौड़ी गलियां बन जाती है इसमें, गली इरोजन। अब नालिका बोल दो हिंदी में, अवनालिका गली इरोजन, अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन बोलते हैं इसको। ये भाई ऐसे कह सकते हैं कि रिल इरोजन की बढ़ती हुई अवस्था है, रिल इरोजन की बढ़ती हुई अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी छोटी नालियां बनती है रिल इरोजन, इसमें रिल अपरदन में, अगर फार्मर टाइमली मैनेजमेंट ना करे, अनदेखा कर दें, तो उसका जो बृहद रूप है, जो बड़ा रूप है, जो विनाशकारी रूप है, वो है आपका गली इरोजन। जो बड़ी बड़ी जो छोटी छोटी जो नालियां बनी थी रिल इरोजन में, वो क्या होती है, बड़ा रूप ले लेती है। क्या कर लेती है? बड़ा रूप ले लेती है, और इसमें चौड़ी चौड़ी क्या हो जाती है, नालियां बन जाती है, चौड़ी या गहराई बड़ी नालियां। गहराई भी काफी हो जाती है, चौड़ी भी काफी हो जाती है, और काफी लंबी तक बड़ी बड़ी इसमें नालियां बन जाती है, किसमें? गली इरोजन के अंदर। तो इसको बोलते हैं अपने भयंकर नुकसान करती है, ये भयंकर नुकसानदायक। इसके बाद में प्रॉब्लम हो जाती है जब ये स्टेज आती है गली इरोजन, तो इस स्टेज से बचना चाहिए। रिल इरोजन तक ही उसको मैनेजमेंट करते हो, देखो परत इरोजन का तो पता ही नहीं चलता, ये बौछार इरोजन और परत इरोजन, इसको तो फार्मर को पता ही नहीं चलता, तो इसका तो क्या कैसे मैनेजमेंट करेगा ना। लेकिन रिल इरोजन जैसे गलियां बनती है ना, उसको अपने मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसको मैनेज नहीं किया, अनदेखा कर दिया रिल इरोजन, फिर ये जो खतरनाक कंडीशन आती है ना गली इरोजन, तो इसमें चौड़ी चौड़ी गहराई मतलब बड़ी नालियां बन जाती है, इसको बोलते हैं भयंकर नुकसानदायक स्टेज बोलते हैं इसको, गली इरोजन को, यानी कि सबसे खतरनाक। से पूछ ले कि जल अपरदन में सबसे खतरनाक स्टेज होती है ये गली इरोजन, कहाँ होती है? ये कोटा का जो चंबल एरिया, चंबल एरिया के अंदर जो कोटा है ना, चंबल बेसिन, वहां पर सबसे ज्यादा होता है अवनालिका अपरदन। यानी कि आपने पढ़ा होगा जो चंबल नदी है ना, ये जहां जहां से चलती है वहां भीड़ बना देती है, क्या कर देती है? भीड़ बना देती है, ऐसे खड्डे खो देती है, गहरा गहरे गहरे बड़ी बड़ी नालियां, और उनको ही ये बोलते हैं अपने अवनालिका अपरदन। तो ये आपसे पूछ ले कि गली इरोजन अवनालिका अपरदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो ये चंबल एरिया में है, और कोटा में सबसे ज्यादा ये होता है क्या, गली इरोजन। और इसमें जो फिर बाद में क्या होता है, जो कृषक क्रियाएं होती ना, यानी कि जो अपने खेती करते हैं, वो इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी गलियां हो जाती है। तो ये चार टाइप थे जल अपरदन के, बौछार अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन, गली इरोजन। अच्छे से समझा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे पहले पढ़ा वायु अपरदन, जिसमें मैंने सरफेस क्रीप बताया आपको, साल्टेशन बताया है ना, सस्पेंशन बताया, वायु द्वारा अपरदन, जल द्वारा अपरदन क्या होता है, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और कौन कौन सी इसकी स्टेज होती है। उससे पहले मैंने आपको बताया प्राकृतिक अपरदन, त्वरित अपरदन, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो एक आप और लिखो, वेव अपरदन, वेव इरोजन, नाम सुना होगा आपने, वेव इरोजन क्या होता है? जल प्लस वायु के संयुक्त प्रभाव से जो इरोजन होता है, जल प्लस वायु के संयुक्त प्रभाव से, जल प्लस वायु के संयुक्त प्रभाव से जो
अपरदन होता है उसको बोलते हैं अपने वेव इरोजन, हिंदी में ही बोलेंगे इसको वेव अपरदन, हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको वेव अपरदन या वेव इरोजन। तो ये तो आज का अपना टॉपिक था, कौन सा अपरदन वाला, यानी कि जिसमें आप सब पढ़ लिया कि प्राकृतिक अपरदन क्या होता है, त्वरित अपरदन क्या होता है, फिर आपने कारक बता दिए जल अपरदन क्या होता है, वायु अपरदन क्या होता है और वेव अपरदन क्या होता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कोई बढ़िया सा टॉपिक देखेंगे कोई सोयल साइंस का, ठीक है, अच्छा सा टॉपिक देखें। चलो ठीक है।